फोकस हमेशा एक बिंदु पर होता है, अटेंशन उससे कहीं ज्यादा हो सकती है। अटेंशन यानी ध्यान देने की बात कर रहा हूं, किसी चीज को लेकर नहीं, बस ध्यान देना। योगिक प्रणाली में हमारे पास दशावधानी शतावधानी नाम की चीजें हैं। इसका मतलब है कि एक आदमी एक समय में 10 चीजें करता है। जब आप एक भी चीज नहीं चूकते तो सब सोचते हैं कि आप किसी तरह के सुपर ह्यूमन हैं। हम आपको बहुत सक्रिय प्रक्रियाएं दे सकते हैं जिनके जरिए आप अपने ध्यान को ऊंचे से ऊंचे स्तर पर ले जा सकते हैं। मेरा सवाल है, आपके लिए फोकस का क्या मतलब है और हम किस तरीके से हमारे रोजमर्रा के जीवन में फोकस ला सकते हैं? तो फोकस की आपकी क्या परिभाषा है? अच्छा, इस शब्द को समझाने के कई तरीके हैं। फोकस की बजाय अगर आप अटेंशन शब्द का इस्तेमाल करें, क्या आप मानते हैं कि फोकस और अटेंशन दोनों एक ही चीज के बारे में है? इनमें थोड़ा फर्क है, इसमें बारीक सा अंतर है। पर जब आप फोकस कहते हैं तो यह किसी चीज पर कोई रोशनी डालने जैसा है। फोकस हमेशा एक बिंदु पर होता है, अटेंशन उससे कहीं ज्यादा हो सकती है। देखिए, अभी अगर आपकी नजर साफ है, मुझे उस लड़के को देखने में दिक्कत हो रही है क्योंकि आपने उन्हें वहां हॉल में अंधेरे में बिठाया हुआ है, पर अगर हॉल सही से रोशन होता तो मुझे यहां बैठे लोगों को देखने के लिए फोकस नहीं करना पड़ेगा, मुझे बस ध्यान देने की जरूरत होगी। अगर मैं ध्यान देता हूं तो मैं यहां मौजूद सभी लोगों को देखूंगा, वे जैसे हैं वैसे। पर अभी अगर मेरी दिलचस्पी इस इंसान में हुई तब मुझे फोकस की जरूरत होगी। अगर मैं आसपास की हर चीज की ओर बिना ध्यान दिए सिर्फ फोकस्ड होता, मैं बिना भेदभाव के ध्यान की बात कर रहा हूं, ध्यान किसी चीज के बारे में नहीं, बस ध्यान देना, सिर्फ इसलिए कि आपके अंदर एक खास स्तर का ध्यान देने की क्षमता है, आपको पता है कि आप वाकई में हैं। नहीं तो मान लीजिए नींद में आपके अनुभव में ना तो दुनिया मौजूद होती है और ना ही आप होते हैं। कुल मिलाकर हुआ यह है कि कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि कोई ध्यान नहीं देता इसलिए किसी तरह का कोई बोध नहीं है। तो पहली चीज है ध्यान देना, ताकि हर चीज की एक आम समझ हो। उसके बाद एक खास रुचि की बात होती है, तब हम अपना ध्यान उस खास रुचि पर लाकर फोकस कर लेते हैं। तो फोकस का उद्देश्य या परिभाषा क्या है, फोकस का क्या इस्तेमाल है, फोकस हमें कहां ले जा सकता है? हम किसी चीज पर सिर्फ इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि आवर अटेंशन इज नॉट कीन इनफ, हमारे ध्यान की तीव्रता काफी नहीं है। अगर हमारा ध्यान बहुत तीव्र होता तो आपको किसी भी चीज पर फोकस करने की जरूरत नहीं होती। योगिक प्रणाली में हमारे पास दशावधानी शतावधानी नाम की चीजें होती हैं। इसका मतलब है कि एक आदमी एक समय में 10 चीजें करता है, दूसरा आदमी एक समय में 100 चीजें करता है। वो he will articulate a particular musical raga, संगीत का कोई विशेष राग गाएगा और उसी समय वो मैथ्स की एक बहुत ही पेचीदा समस्या को सुलझाएगा और उसी समय वो कविता लिखेगा। इस तरह वो 10 या 100 चीजें करेगा। ऐसे लोग मौजूद हैं। या तो आप इसका इस्तेमाल स्टेज पर दिखाने के लिए कर सकते हैं या आप इसे अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक व्यवसायी हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप सड़क पर चल रहे हैं तो आप कुछ ऐसा देख सकते हैं जिसे ज्यादातर लोग नहीं देख पाते, तभी आप एक लीडर बनते हैं, क्योंकि आप वो चीजें देखने में काबिल हैं जिन्हें अभी दूसरों को देखना बाकी है, तभी आप
एक लीडर का स्थान संभालते हैं, क्योंकि असल में लीडर यानी कि आप ऊंचे स्थान पर बैठे हैं। एक बार जब आप मचान पर होते हैं तो आपको दूसरों से बेहतर देखना चाहिए। तो ध्यान वो आयाम है जो आपको उस मचान पर ले जाएगा। अगर सब कुछ को लेकर आपका ध्यान बहुत पैना होना है तो आपको भेदभाव करना बंद कर देना होगा कि मुझे ये व्यक्ति पसंद है, मुझे ये व्यक्ति पसंद नहीं है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सुंदर है, ये सुंदर नहीं है, ये उपयोगी है, ये उपयोगी नहीं है। अगर आप किसी तरह का भेदभाव नहीं करते, बस ध्यान देने पर काम करते हैं, किसी चीज पर ध्यान देना नहीं बल्कि सुपर अटेंटिव बनना, साफ ध्यान देना किसी चीज को लेकर नहीं। देखिए, अभी अगर आप इस हॉल में वोल्टेज बढ़ा दें, जब लाइट आती है, लाइट ऐसे नहीं सोचती कि मैं किस पर फोकस करूं। जब लाइट आती है तो कमरे में जो कुछ भी हो वो दिख जाएगा। यही महत्वपूर्ण है। ये योगिक प्रक्रिया का एक बहुत ही जरूरी पहलू है कि हम अपनी ध्यान देने की शक्ति पर काम करते रहते हैं। हम अपने ध्यान को ऊंचे से ऊंचे स्तर तक उठाते चले जाते हैं, ऊंचे से ऊंचे वोल्टेज और तीव्रता तक। अब हम फोकस को बढ़ावा नहीं देते, क्योंकि फोकस का मतलब है पूरे ध्यान को एकाग्र करके एक व्यक्ति पर डाल देना। मान लीजिए आपने अपना पूरा फोकस एक बिंदु पर डाल दिया और आपको उस बिंदु में कुछ भी काम का नहीं मिला, तो आप अपने जीवन के अंत में क्या करेंगे? ज्यादातर जिंदगियों के साथ यही हो रहा है। अब आप बस अपने ध्यान को ही इतना पैना करने पर काम कीजिए कि अगर कोई किसी चीज पर फोकस भी करता है तो वो उतना तीव्र नहीं होगा। अगर आपका ध्यान उतना पैना है तो आप इस ब्रह्मांड में किसी भी चीज में चूकेंगे नहीं। अब जब आप किसी भी चीज से नहीं चूकते हैं तो सबको लगता है कि आप किसी तरह के सुपर ह्यूमन है। नहीं नहीं नहीं, इसका उद्देश्य सुपर ह्यूमन बनना नहीं है। इसका उद्देश्य है ये जानना कि इंसान होना अपने आप में सुपर है। तो अगर आप अपने ध्यान को बढ़ाते हैं, हम आपको बहुत सक्रिय प्रक्रियाएं दे सकते हैं जिनके जरिए आप अपने ध्यान को ऊंचे से ऊंचे स्तर तक उठा सकते हैं। आप कितना साफ देखते हैं यही तय करता है कि आप इस जीवन में कितनी सफलता से गुजरते हैं। हाउ मच लैक ऑफ क्लैरिटी देयर इज इन यू, That much blundering you will do in your life. आप में स्पष्टता की जितनी कमी होगी आप अपने जीवन में उतनी ही बड़ी गलतियाँ करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अगर व्यक्ति को सबसे पहले ध्यान को विकसित करने की दिशा में काम कीजिए, पहली चीज है आप अपने भेदभाव के नजरिए को हटाइए कि आप उस व्यक्ति की ओर ऐसे ना देखें, अरे ये एक आदमी है, ये एक औरत है, ये एक कुत्ता है, ये है, ये वो है। बिना किसी निष्कर्ष के बस ध्यान दीजिए। अगर आप बिना किसी निष्कर्ष के हर चीज की ओर ध्यान देते हैं तो आप देखेंगे, अगर आप एक चींटी की ओर ध्यान से देखेंगे तो ये बहुत ही अद्भुत है। आप जर्मनी में हैं, कौन जानता है, अगर आप एक चींटी की ओर जरूरी ध्यान दें तो आप शायद धरती पर सबसे बढ़िया ऑटोमोबाइल इजाद कर दें। क्योंकि मैंने किसी भी मशीन को चींटी जितनी फुर्ती के साथ चलते हुए नहीं देखा है, लेकिन मुझे लगता है कि किसी ने भी चींटी की ओर पूरा ध्यान नहीं दिया है। तो अटेंशन, ध्यान के स्तर को बढ़ाना फोकस से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको अभी किसी चीज पर फोकस करने की जरूरत है तो आप कर सकते हैं, पर अभी आप एक आसान सा प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप अपने चेहरे को इस तरह थोड़ा सा ऊपर करके बैठते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि स्वाभाविक ही आपकी भौहों के बीच एक फोकस बन जाएगा, लेकिन आप कई चीजों की ओर सचेत हो सकते हैं। आपके आसपास के लोग, आपकी सांसें, आपके शरीर की संवेदनाएं, आप हर चीज की ओर जागरूक हो सकते और फिर भी फोकस्ड रह सकते हैं। तो मानसिक फोकस एक सीमित संभावना है, पर ध्यान को बढ़ाना आपको आखिरकार ऐसे स्थान पर ले जाएगा जहां आप कॉन्शियस यानी जागरूक हो जाते हैं, या दूसरे लोगों के शब्दों में सुपर कॉन्शियस। ये बस जागरूक या कॉन्शियस होना है, पर लोगों को लगता है कि आप सुपर कॉन्शियस हैं। इसी के कारण आप हर चीज को वैसे ही समझते हैं जैसी वो है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है That your mind is not functioning like a prism. कि आपका मन एक प्रिज्म की तरह काम नहीं कर रहा, जो चीजों को विकृत कर देता है और ऐसी डिजाइन रचता है जो मौजूद ही नहीं है। आपका मन एक सपाट शीशे की तरह बन गया है, वो हर चीज को बस वैसे ही दिखाता है जैसी वो है। आप में हर चीज को समझदारी से संभालने की क्षमता है, वरना आप बहुत सी चीजों को गड़बड़ कर देते हैं।
और एक व्यवसायी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके पास कोई नौकरी नहीं है। शरीर और बुद्धि को ऐसे बनाओ कि आपकी बुद्धि और शरीर के आगे कोई भी दुख और सुख और सर्दी गर्मी सब समान लगे, उसका आप पर कोई भी फर्क न पड़े। ऐसे खुद को बनाने के लिए एक रहस्यमय प्राचीन रास्ता है। उसी रास्ते के बारे में हम आज कहानियों के माध्यम से जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत। पहली कहानी, एक साधु एक जंगल में बहुत सालों से तपस्या कर रहा था। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी तपस्या में मग्न था। उस जगह पर पानी की बाढ़ आ जाती है, सारे लोग इधर से उधर भाग रहे थे और यह साधु अपनी तपस्या में मग्न थे। इन्हें पता नहीं था कि पानी की बाढ़ आ चुकी है। जब एक आदमी वहां से भाग रहा था तो उसने इस साधु को देखा और इन्हें सावधान किया कि पानी की बाढ़ आ चुकी है, सारे लोग यहां से भाग रहे हैं, आप भी यहां से चलो। तो उस साधु ने कहा कि तुम जाओ, मुझे भगवान बचा लेगा। कुछ देर के बाद पानी साधु के गले तक आ गया। तभी वहां से कुछ लोग नाव में बैठकर भाग रहे थे। उन्होंने जब साधु को देखा तो उनसे कहा कि आप हमारे साथ नाव में बैठ जाओ वरना आप डूब जाएंगे। लेकिन साधु ने फिर से वही कहा कि तुम जाओ, मुझे भगवान बचा लेगा। और वह लोग भी वहां से नाव लेकर चले गए। थोड़ी देर के बाद जब पानी बढ़ने लगा तो वह साधु एक पेड़ पर चढ़ गए। एक हेलीकॉप्टर गुजर रहा था जो लोगों को बचा रहा था। जब उन्होंने इस साधु को देखा तो साधु की तरफ रस्सी फेंकी और उन्हें ऊपर आने को कहा। लेकिन साधु ने फिर से वही कहा कि तुम जाओ, मुझे भगवान बचा लेगा। और वह हेलीकॉप्टर वाले भी वहां से चले गए। धीरे धीरे पानी बढ़ने लगा और वह साधु पानी में डूब कर ही मर गया। जब वो मरने के बाद भगवान के पास पहुंचा तो उसने भगवान से कहा कि मैंने आपकी इतनी तपस्या की, इतना आपको रात दिन याद किया, आपने मुझे बचाया क्यों नहीं? तो भगवान ने कहा, अरे बेवकूफ, तुझे बचाने के लिए 3 बार मैंने ही तो उन तीनों इंसानों को भेजा था, एक बार पैदल, दूसरी बार नाव लेकर और तीसरे बार हेलीकॉप्टर लेकर। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान हमेशा किसी न किसी को जरिया बनाकर भेजते हैं हमारी मदद करने के लिए, लेकिन हम अपने घमंड में उन्हें पहचान नहीं पाते हैं और ऐसे मौके हाथ से गवा देते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हमारे दूसरे कहानी की शुरुआत करते हैं। दूसरी कहानी, ये गांव में एक व्यापारी रहता था। उसकी एक खूबसूरत बेटी थी। एक बार उसे व्यापारी पर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया था और जिस आदमी से उसे व्यापारी ने कर्ज लिया था वो उसी गांव का था और बहुत ही घटिया आदमी था। तो व्यापारी उस आदमी का कर्ज चुका नहीं पा रहा था तो उस आदमी ने सारे गांव वालों को जमा किया और व्यापारी के घर पर जाकर व्यापारी से कहा कि अगर तुम मेरा कर्जा दे नहीं पा रहे हो तो अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो। यह सुनने के बाद भी वह व्यापारी चुप रहे क्योंकि वो मजबूर था और ये सारी बातें घर में बैठी उस व्यापारी की बेटी सुन रही थी। थोड़ी देर के बाद उस आदमी ने गांव वालों और व्यापारी से कहा कि ठीक है, मैं एक थैली में सफेद और एक काला पत्थर डालूंगा और इसकी बेटी को थैली में से कोई एक पत्थर निकालना पड़ेगा। अगर सफेद पत्थर निकला तो मैं कर्ज भी माफ कर दूंगा और इसकी बेटी से शादी भी नहीं करूंगा, लेकिन अगर काला पत्थर निकला तो कर्जा तो मैं माफ कर दूंगा मगर इसको अपनी बेटी से मेरी शादी करवानी पड़ेगी। व्यापारी की लड़की इस बात के लिए राजी हो गई और सारे गांव वाली भी। उस आदमी ने थैली के अंदर सबके सामने 2 पत्थर डाले, लेकिन बड़े ही चालाकी से उस आदमी ने दोनों ही पत्थर उस थैली में काले डाले थे और यह व्यापारी की बेटी को दिख गया था कि थैली के अंदर दोनों ही पत्थर काले थे। अब वह लड़की सोच में पड़ गई थी कि मैं जो भी पत्थर निकालूंगी वह काले ही पत्थर होंगे और अगर काला पत्थर निकला तो कर्जा माफ हो जाएगा, लेकिन मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी। और अगर मैंने सारे गांव वालों को यह बता दी कि इस आदमी ने थैली में दोनों ही पत्थर काले डाले हैं तो कर्जा भी माफ नहीं होगा और यह आदमी आज नहीं तो कल मेरे बाबा से बदला जरूर लेगा। लड़की यह सोच ही रही थी कि लड़की को तभी थैली से पत्थर निकालने को कहा गया। लड़की ने थैली में हाथ डाला और एक पत्थर बाहर निकाला और बिना किसी को बताए उस पत्थर को जमीन पर गिरा दिया और जमीन पर गिरने के बाद वह पत्थर दूसरे पत्थरों में मिल गया। तभी लड़की ने सबसे कहा कि अब कैसे पता चलेगा कि मैंने जो पत्थर निकला था वह सफेद था या काला था? लड़की ने कहा, थैली में जो दूसरा पत्थर है उसे देखो,
अगर थैली में सफेद पत्थर है तो मैंने काला पत्थर निकला था, और अगर थैली में काला पत्थर है तो मैंने सफेद पत्थर निकला था, और थैली में तो सिर्फ काले ही पत्थर थे। और सभी गांव वालों ने यह समझ लिया कि लड़की ने जो पत्थर निकला था वह सफेद था, इसलिए व्यापारी का कर्ज भी माफ हो गया और उसकी बेटी को उस आदमी से शादी भी नहीं करनी पड़ी। जिंदगी में इंसान कई बार मजबूर हो जाता है और उसके सामने जो हालत होती है उसे उसी के हिसाब से चलना पड़ता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जब भी आप मजबूर हो जाओ और मजबूरी में आपका कोई फायदा उठाना चाहता हो, दो इनोसेंट मत बनो, बल्कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। जितने इनोसेंट बनने की कोशिश करोगे, लोग उतना ज्यादा आपको चीट करेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को गालियां देना ही शुरू कर दो, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप समंदर की तरह बनो। मतलब ये है कि आप समंदर की तरह खामोश रहो, लेकिन उसकी गहराई की तरह अपने दिमाग में नॉलेज रखो। तो दोस्तों, चलिए अब हमारे तीसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। तीसरी कहानी, जिंदगी की परेशानियां। एक वक्त की बात है, एक गांव में एक 10-12 साल का लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। कई सालों के बाद वह लड़का अपने दादाजी के गांव जाता है। वहां जाकर वह हर समय अपने दादाजी के साथ खेलता है। खेलते खेलते एक दिन उसने अपने दादाजी से कहा कि दादाजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनकर दिखाऊंगा, क्या आप मुझे कामयाब बनने के लिए कुछ तरीके बता सकते हैं? हेलो, उसके दादाजी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखते हैं और उसे कहते हैं हाँ, और वह उसे एक पौधों की दुकान पर ले जाते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे पौधे मिलते थे, वहां से उसके दादाजी 2 छोटे पौधे खरीदने हैं और वापस घर आ जाते हैं। घर आने के बाद वह उनमें से एक पौधे को बड़े से गमले में लगा देते हैं और उस गमले को घर के अंदर रख देते हैं, और दूसरे पौधे को वह घर के बाहर लगा देते हैं। फिर वह अपने पोते से पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कौन सा पौधा फ्यूचर में अच्छे से बड़ा हो पाएगा? बच्चों ने थोड़ा सा सोचा और अपने दादाजी से कहा कि हमने घर के अंदर जो पौधा लगाया है वह अच्छे से बड़ा हो पाएगा, क्योंकि वह घर के अंदर हर प्रॉब्लम से बचा रहेगा, और जो पौधा हमने बाहर लगाया है उसे बहुत सी चीजों का खतरा है, जैसे कि सूरज की तेज करने, आंधी, तूफान, तेज बारिश और जानवरों से भी उस पौधे को खतरा है। उसके दादाजी ने मुस्कुराया और उससे कहा कि फ्यूचर में देखते हैं इन दोनों पौधों के साथ क्या होता है। फिर बाद वह लड़का फिर से अपने दादाजी के घर जाता है। चार दादाजी को देखने के बाद वह फिर से उनसे पूछता है कि दादाजी, लास्ट टाइम मैं आपसे मैंने पूछा था कि जिंदगी में सक्सेसफुल कैसे होते हैं, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं बताया था, लेकिन अब आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। उसके दादाजी ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, जरूर, लेकिन सबसे पहले हम उन दो पौधों को देखते हैं जो हमने कुछ साल पहले लगाया था। यह कहकर दादाजी उसे उसी जगह पर ले गए जहां उन्होंने घर के अंदर पौधा रखा था। उन्होंने देखा कि वह पौधा एक बड़ा पौधा बन चुका था। फिर वह उस जगह पर गए जहां उन्होंने दूसरे पौधे को बाहर लगाया था। उन्होंने देखा कि वह छोटा सा पौधा अभी बहुत बड़ा और विशाल पेड़ बन चुका था, और उसकी जो टीनियां थी वह बहुत ही मजबूत और लंबी थी, और उसका साया पूरे मैदान पर पड़ रहा था। अब उस लड़के के दादाजी ने उसकी तरफ देखा और उससे कहा कि अब बताओ कौन सा पौधा ज्यादा बड़ा और मजबूत चुका है, कौन सा पौधा ज्यादा सक्सेसफुल हुआ है? लड़के ने कहा, वह पौधा जो हमने घर से बाहर लगाया था। लेकिन दादाजी, ये कैसे पॉसिबल है? इस पौधे ने कई डेंजर सिचुएशन सही होगी, इस पर कई प्रॉब्लम्स आई होंगी, लेकिन फिर भी यह पौधा इतना बड़ा पेड़ कैसे बन गया? उसके दादाजी ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुमने ठीक कहा, जो ख्वाजा हमने बाहर लगाया था उसने कई प्रॉब्लम सही होगी, और उन्हीं प्रॉब्लम से लड़ते हुए वह इतना बड़ा और विशाल हो पाया है, और अब वह जितना चाहे उतना अपनी टहनियों को बड़ा कर सकता है, और जो तूफान और तेज बारिश जैसी प्रॉब्लम्स हैं वह उसकी टहनियों को और भी मजबूत बनाती है, और इसी वजह से आज वह एक बहुत विशाल पेड़ बन चुका है, और अब यह सारी प्रॉब्लम्स उसके सामने छोटी है। फिर उसके दादाजी ने उसकी तरफ देखा और उससे कहा कि बेटा, एक चीज हमेशा याद रखना, जब तक तुम अपनी लाइफ में स्ट्रगल नहीं करोगे, जब तक तुम डिफिकल्टीज से नहीं गुजारोगे, तब तक तुम अपनी लाइफ में सक्सेस को हासिल नहीं कर सकते हो। अगर तुम अपनी लाइफ में हमेशा कंफर्टेबल चॉइस ही रखोगे तो तुम अपनी लाइफ में उतना तरक्की नहीं कर पाओगे जितना तुम कर सकते हो, और अगर तुम हर प्रॉब्लम के लिए तैयार रहोगे, हमेशा स्ट्रगल के लिए रेडी रहोगे, तो फिर किसी भी मंजिल को पाना तुम्हारे लिए नामुमकिन नहीं होगा, और फिर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स तुम्हें छोटी लगने लगेंगी। ये सुनने के बाद उसे लड़के ने एक गहरी सांस ली और फिर उसे विशाल और बड़े पेड़ की तरफ देखने लगा।
उसके दादाजी के शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे। दोस्तों, प्रॉब्लम्स, रुकावट और डिफिकल्टी, इन चीजों को हम अपनी जिंदगी के दुश्मन समझते हैं, लेकिन यही रुकावटें, यही डिफिकल्टी हमें स्ट्रांग बनती है और हमारी जिंदगी में हमें ज्यादा सक्सेसफुल बनाती है। किसी ने कहा है कि अगर तुम्हारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो समझ जाओ कि आप गलत ट्रैक पर हो। तो दोस्तों, चलिए अब हमारे चौथी कहानी की शुरुआत करते हैं। चौथी कहानी एक चिड़िया थी। उस चिड़िया ने अपना घोंसला किसान के खेत में बनाया था। कुछ दिनों बाद उस चिड़िया ने दो अंडे दिए। कुछ दिनों के बाद उन अंडों में से दो बच्चे निकले। अब चिड़िया रोज सुबह अपने बच्चों के लिए दाना चुगने के लिए जाती और शाम को वापस आती। अब हर रोज ऐसे ही होने लगा था। चिड़िया सुबह जाती और शाम को वापस आती। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन जब चिड़िया अपने बच्चों को घोंसले में छोड़कर दाना चुगने के लिए गई थी, तो उस खेत का मालिक वहां पर आता है और कहता है कि यहां पर तो बहुत सारी फसल बढ़ चुकी है, कल अपने बेटों को बोलकर इसको कटवा दूंगा। ये बोलकर उस खेत का मालिक वहां से चला जाता है। ये बात चिड़िया के बच्चों ने सुन ली थी। जब शाम को चिड़िया वापस आई, उसके बच्चों ने अपनी माँ से कहा कि आज खेत का मालिक आया था और वह कह रहा था कि कल अपने बेटों को बोलकर फसल कटवा दूंगा, और जब फसल कटेगी तो हमारा घोंसला भी टूट जाएगा। हमें आज ही अपना घोंसला यहाँ से ले जाना चाहिए। ये सब बातें चिड़िया सुनी और अपने बच्चों से कहा कि तुम दोनों बेफिक्र होकर सो जाओ, कल ऐसा कुछ नहीं होगा। और गजब की बात यह हुई, कल सच में ऐसा कुछ नहीं हुआ। लगभग एक हफ्ता गुजरने के बाद उस खेत का मालिक फिर आया और फसल को देखकर उसने फिर से वही कहा कि अब तो फसल काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, कल तो मेरे नौकरों के हाथ से इसे कटवाना ही पड़ेगा। यह बोलकर वहां से चला गया। जब शाम को चिड़िया दाना चुगकर वापस आई, फिर से उसके बच्चों ने उसे कहा कि आज फिर से खेत का मालिक आया था और इस बार तो वह कह रहा था कि कल तो नौकरों के हाथ से फसल काटने ही पड़ेगी। माँ, हमें जल्दी ही अपना घोंसला दूसरी जगह ले जाना चाहिए। फिर से चिड़िया ने अपने बच्चों से कहा कि कल भी ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरे बच्चों तुम बेफिक्र होकर सो जाओ, और कल सुबह सच में ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर लगभग दो हफ्ते गुजरने के बाद उस खेत का मालिक फिर से अपनी खेत पर आया। उसने कहा कि अब तो कल आकर मुझे ही फसल काटनी पड़ेगी, और यह कहकर वो वहां से चला गया। फिर से जब शाम हुई और चिड़िया अपने घोंसले में आई, उसके बच्चे ने उससे कहा कि आज फिर से खेत का मालिक आया था और अब तो उसने यह कहा है कि कल वह खुद आकर फसल काटेगा। बस यह सुनने के बाद चिड़िया तुरंत अपने बच्चों समेत अपना घोंसला उठाकर बाजू के खेत में लेकर चली गई। जब दूसरा दिन निकला और सुबह हुई, तो चिड़िया के बच्चों ने देखा कि वह किसान अपने खेत की फसल काट रहा था। यह देखने के बाद में बच्चों ने अपनी माँ से पूछा कि वो आपको कैसे पता था कि वह खेत का मालिक आज पक्का फसल कटेगा, हालांकि इससे पहले भी वह दो बार यही कहकर गया था। चिड़िया ने अपने बच्चों की तरफ देखा और कहा, बच्चों, मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये जो इंसान है ना, जब तक अपने काम को दो बार टालता नहीं है, तब तक उस काम को हाथ तक नहीं लगाता, फिर चाहे वह कितना भी छोटा काम हो। क्या चिड़िया ने अपने बच्चों से सही कहा? हाँ, बिल्कुल सही कहा। मैं आपको आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताऊं। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, क्या आपको पता है? तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको लगता है कि आपके पास टाइम है, आप ऐसा सोचते हैं कि आपके पास बहुत वक्त है, जबकि इसका उल्टा है। आपके पास टाइम नहीं है, बल्कि आपको देर हो चुकी है। आपने बहुत टाइम कर दिया है, लोग कहां से कहां पहुंच गए हैं, और आप अभी भी वहीं बैठकर यही सोच रहे हैं कि आपके पास बहुत टाइम है। इन सब की एक ही प्रॉब्लम है, और वह है काम को कल पर टालना। और आज के दौर में हमारी यह आदत बन चुकी है, चाहे वह कितना ही छोटा काम क्यों ना हो, जब तक हम उसे कल पर नहीं टालते हैं, तब तक हमें सुकून की नींद नहीं आती। अब काम को कल पर टालते रहते हैं, यह कहकर कि आज मूड नहीं है, इस काम को कल देखेंगे, कल करेंगे, और वह कल कभी आता ही नहीं है। और हम उस काम को भूल जाते हैं अपने दूसरे कामों में। हम अपने दूसरे कामों में बिजी हो जाते हैं, और वह दूसरे काम कौन से हैं? रील्स देखना, सोशल मीडिया चलाना, फालतू के वीडियो देखना, जिन वीडियो का न सर होता है और न पैर, मतलब कि मीनिंगफुल बात तो कुछ होती ही नहीं है उन वीडियो में। इस तरह की वीडियो में हम ना जाने कितना टाइम बर्बाद कर देती है, और जो हमारे इंपॉर्टेंट काम होते हैं उन्हें हम भूल जाते हैं। और फिर जब हमें याद आता है आज ही हमें उस काम को करना पड़ेगा, उसके बिना हमारा दूसरा काम नहीं होगा, तब हम उस काम को करते हैं। मतलब यह है कि
जब तक हमारे सर पर प्रेशर नहीं आता है तब तक हम उस काम को टालते रहते हैं। काम को टालना ऐसा ही है जैसे क्रेडिट। जब हम कोई चीज क्रेडिट पर लेते हैं तो हम उस चीज का फायदा तो उठा लेते हैं, लेकिन एक दिन के बाद, दो दिन के बाद, हफ्ते के बाद या महीने के बाद हमें उसका बिल पे करना पड़ता है। तो दोस्तों चलिए अब हमारे पांचवी कहानी की शुरुआत करते हैं। पांचवी कहानी, लोग क्या कहेंगे। एक बार की बात है, एक बाप और बेटा अपने गधे के साथ अपने गांव की तरफ जा रहे थे। बाप ने अपने बेटे को गधे पर बिठाया हुआ था और खुद गधे के साथ पैदल चल रहा था। थोड़ी देर के बाद जब वह दोनों किसी गांव से गुजर रहे थे तो कुछ लोगों ने उन्हें देखा और उन्हें देखकर कहा कि कैसा बेटा है जो खुद गधे के ऊपर बैठा हुआ है और अपने बुजुर्ग आप को पैदल चल रहा है। लोगों की यह बातें सुनने के बाद बेटा गधे से नीचे उतर गया और उसने अपने बाप को गधे के ऊपर बिठा दिया और फिर से दोनों अपने गांव की तरफ चलने लगे। थोड़ी देर के बाद फिर से जब वह दूसरे गांव से गुजर रहे थे तो उसे गांव के लोगों ने भी उन्हें देखा और कहा कि कैसा बाप है जो खुद गधे के ऊपर बैठा हुआ है और अपने मासूम से बेटे को पैदल चल रहा है। लोगों की यह बात सुनने के बाद आप भी गधे से नीचे उतर गया और अब गधे पर ना ही बाप बैठा हुआ था और ना ही बेटा, और वह दोनों बाप बेटे पैदल चल रहे थे। अब वह दोनों भी चलते चलते जंगल के रास्ते में पहुंच जाते हैं। उसी रास्ते से कुछ और भी लोग गुजर रहे थे। जब उन लोगों ने इन दोनों बाप बेटे को देखा और उन लोगों ने देखा कि उनके पास एक गड्ढा भी है और फिर भी यह दोनों पैदल चल रहे हैं, तो उन लोगों ने इन्हें देखकर कहा कि कैसे बेवकूफ लोग हैं कि इनके पास गड्ढा होने के बाद भी ये दोनों पैदल चल रहे हैं। अब लोगों की यह बात सुनने के बाद वह दोनों भी आप और बेटे उसे गधे के ऊपर बैठ गए और अपने गांव की तरफ चलने लगे। लेकिन फिर से थोड़ी दूर जाने के बाद लोगों ने जब इन दोनों बाप बेटे को गधे के ऊपर एक साथ बैठा हुआ देखा तो कहने लगे कि कैसे इंसान है जो दोनों ही एक साथ उस बेचारे कमजोर गधे के ऊपर बैठे हुए हैं और उसे गधे की जान निकल रहे हैं। इन दोनों के अंदर जरा भी दया नहीं है। अब यह सुनने के बाद दोनों बाप बेटों का दिमाग खराब हो गया और वह समझ गए कि अगर हम इन लोगों की बातें सुनते रहेंगे तो हम कभी भी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। दोस्तों हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। जितने लोग हैं उतनी बातें होती रहेगी और हम इस दुनिया में सभी को खुश नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो आपको सही लग रहा है, जिसमें आपका फायदा है, उस बात का अपने दिमाग के आधार पर सही डिसीजन लो। लोग आज कुछ कहते हैं तो कल कुछ और, इसीलिए हमें लोगों पर नहीं बल्कि अपने काम पर ध्यान देना है, अपनी मंजिल पर ध्यान देना है और आगे बढ़ते रहना है। अगर हम इसी तरह लोगों की बातें सुनते रहे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और उनकी बातों में उलझ कर रह जाएंगे। तो दोस्तों चलिए अब हमारे छठी कहानी की शुरुआत करते हैं। छठी कहानी, राजा और पत्थर। एक बार एक राजा ने अपने राज्य के एक रास्ते में बड़ा सा पत्थर रखवा दिया और खुद जाकर एक बड़े से पेड़ के पीछे खड़ा हो गया और छुपकर उस रास्ते पर नजर रखने लगा, यह देखने के लिए कि कौन उस बड़े से पत्थर को रास्ते से हटता है। थोड़ी देर के बाद उस रास्ते पर कुछ लोग आते हैं और उन लोगों को जब रास्ते पर एक बड़ा सा पत्थर दिखता है तो वह लोग रास्ता बदल देते हैं और दूसरी रास्ते से चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद उसे रास्ते पर राजा की राजमहल की जो काम करने वाले थे वह आते हैं और वह भी जब इस बड़े से पत्थर को देखते हैं तो बिना उस पत्थर को रास्ते से हटाए वो सब वहां से पलट कर चले जाते हैं और उल्टा राजा को ही बुरा भला कहना शुरू कर दिया और बोले कि राजा अपने राज्य का काम ठीक से नहीं कर रहा है, इतने बड़े बड़े पत्थर रास्ते पर पड़े हुए हैं, राजा को इसको हटाना चाहिए। लेकिन राजा का इसके तरफ ध्यान ही कहां है, यह कहकर वह वहां से चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद उसे रास्ते पर एक सब्जी वाला आता है जिसके कंधे पर सब्जियां थी और जब वह बड़े से पत्थर को देखा है तो वह अपने कंधे से सब्जियों का टोकरी रखकर उसे पत्थर को हटाने की कोशिश करता है और बहुत मेहनत के बाद वह सब्जी वाला उस बड़े से पत्थर को रास्ते से हटा देता है। जैसे ही उस पत्थर को रास्ते से हटता है उस पत्थर के नीचे बहुत सारे सोने के सिक्के और एक चिट्ठी रखी हुई थी जिसमें लिखा था कि इनाम राजा की तरफ से पत्थर हटाने वाले के लिए है। और यह सब होते हुए पेड़ के पीछे से राजा खुद देख रहा था। राजा उस आदमी के पास जाता है और उस आदमी को राजा अपने महल का सबसे खास आदमी बना लेता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे रास्ते में आने वाली परेशानियां, रुकावटें और मुश्किलें हमें बेहतर करने और आगे बढ़ने का मौका देती हैं। इसीलिए जिंदगी में जब भी ऐसा मौका मिले तो उस मौके को अपने हाथ से गवाह मत,
बहुत से लोग ऐसे वक्त में मुश्किल काम को देखते ही अपना कदम पीछे हटा लेते हैं, लेकिन जब सब पीछे हट जाएं तो आप सामने आ जाओ, क्योंकि जीत उन्हीं को मिलती है जो परेशानियां और रुकावटें में अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, और जब मौका मिलता है तो वही माँ का आपका फ्यूचर को बेहतर बनाती है। तो दोस्तों चलिए अब हमारे सातवीं कहानी की शुरुआत करते हैं। सातवीं कहानी एक आलसी एक समय की बात है। एक गांव में एक आदमी रहता था। वह आदमी बहुत ही ज्यादा आलसी था। वह कोई काम नहीं करता था। वह एकदम निठल्ला और नाकारा था। पास वो हमेशा ऐसे मौके के खोज में रहता कि कहीं से उसको खाना मिल जाए। तो एक दिन जब वो आदमी खाने के लिए भटक रहा था, तभी उसे एक फ्रूट का बगीचा दिखता है। वह उस बगीचे से फ्रूटस चुराने के बारे में सोचता है। तभी वो बगीचे के अंदर चला जाता है और एक पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन तभी अचानक वहां पर उस बगीचे का मालिक आ जाता है और वह इस आदमी को पेड़ पर चढ़ता हुआ देख लेता है। वह उस आदमी को चिल्लाते हुए नीचे आने को कहता है, लेकिन यह आलसी आदमी बगीचे के मालिक को देखकर डर जाता है और नीचे आने से मना कर देता है। तभी उस बगीचे का मालिक अंदर जाकर बड़ा सा डंडा लेकर आता है। यह देखकर वह आलसी आदमी तुरंत पेड़ से नीचे उतरता है और मालिक के उस तक पहुंचने से पहले ही वह जंगल की तरफ दौड़ने लगता है और जंगल में जाकर छुप जाता है। कुछ समय बीतने के बाद वह आलसी आदमी वहां से निकलता है और जंगल के रास्ते से जब वह गांव की तरफ जा रहा था, तभी उसे एक लोमड़ी दिखती है जिसके सिर्फ दो ही पैर थे और उसके दो पैर टूटे हुए थे, और वह जंगल में रेंगती हुई चल रही थी। यह देखने के बाद वह आलसी आदमी सोचता है कि यह लोमड़ी अब तक इस घने जंगल में जिंदा कैसे है। यह लोमड़ी भाग नहीं सकती, चल नहीं सकती, तो कैसे ही अपने लिए खाने का इंतजाम करती होगी, और कैसी है लोमड़ी अपने आप को इस घने जंगल में दूसरे जानवरों से बचाती होगी। वह आलसी आदमी अभी यह सोच ही रहा था कि तभी अचानक से वहां पर शेर आ जाता है जिसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा था, और वह शेर उस अपाहिज लोमड़ी की तरफ बढ़ रहा था। शेर को देखकर दूसरे सारे जानवर वहां से भाग जाते हैं और अब वहां पर सिर्फ वह अपाहिज लोमड़ी रह जाती है, और वह आलसी आदमी भी अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है। और फिर जो होता है उसे देखकर वह आलसी आदमी हैरान हो जाता है। वह शेर उसे गोश्त के टुकड़े को उस लोमड़ी के सामने छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। अब वह लोमड़ी उस गोश्त के टुकड़े को खाने लग जाती है। आलसी आदमी यह देखकर हैरान हो जाता है और ऊपर वाले का प्लान देखकर वह मन ही मन खुश भी हो जाता है, और तभी वह सोचता है कि ईश्वर के पास सबके लिए कोई ना कोई प्लान होता ही है, और अगर ईश्वर के पास इस लोमड़ी के लिए प्लान है तो जरूर मेरे लिए भी उसके पास कोई ना कोई प्लान जरूर होगा। और तभी वह आलसी आदमी रोड के साइड में एक बड़ा सा पेड़ देखकर उसके नीचे बैठ जाता है, यह सोचकर कि मेरे लिए भी कोई ना कोई खाना लेकर जरूर आएगा। वह आदमी दो दिन तक उस जगह पर बैठकर इंतजार करता है, लेकिन कोई भी उसके लिए खाना लेकर नहीं आता। आखिरकार जब उसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है तो खुद ही खाने की तलाश में निकल पड़ता है। वह रास्ते से जा ही रहा था कि तभी उसे रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी मिलते हैं। वह आलसी आदमी उन बुजुर्ग से कहता है कि मुझे भूख लगी है, आपके पास कुछ खाने के लिए है तो मुझे दे दो। तभी वह बुजुर्ग आदमी उसको कुछ खाने और पीने को दे देते हैं। खाना खाने के बाद वह आलसी आदमी उन बुजुर्ग से कहता है कि मैं दो दिन पहले जो देखा आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे। मैं जंगल में एक अपाहिज लोमड़ी को देखा जिसे खुद शेर गोश्त लाकर दे रहा था खाने के लिए। मैंने सोचा कि ईश्वर के पास मेरे लिए भी कोई ना कोई प्लान जरूर होगा, लेकिन ईश्वर ने उस लोमड़ी पर अपनी दया दिखाई और मुझ पर नहीं। मेरे लिए कोई भी खाना लेकर नहीं आया और आखिरकार मुझे ही खुद खाने की तलाश में निकलना पड़ा। उस आलसी आदमी ने उन बुजुर्ग आदमी से पूछा कि मेरे साथ ही ईश्वर ने ऐसा क्यों किया। तभी उन बुजुर्ग आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सच है कि ईश्वर के पास सभी के लिए कोई ना कोई प्लान तो जरूर होता है, और तुम्हारे लिए भी है, लेकिन तुमने उसे गलत तरीके से समझ लिया। वह तुम्हें लोमड़ी नहीं बल्कि वह तुम्हें उस शेर की तरह बनाना चाहता था। दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम हमारी लाइफ को ध्यान से देखें तो हमें यह पता चलेगा कि जिंदगी सबक से भरी पड़ी है और हर एक मोमेंट का एक डीप मीनिंग होता है। उस आलसी आदमी ने लोमड़ी को मदद लेते हुए देखा और सोचा कि लोमड़ी सिर्फ बैठी हुई है और वह सिर्फ इंतजार कर रही है कि कब उसके साथ अच्छी चीज होगी, लेकिन वह आदमी यह भूल गया था कि वह लोमड़ी मजबूर थी। लेकिन हम उस लोमड़ी की तरह मजबूर और लाचार नहीं है। ऊपर वाले ने हमें एबिलिटी दी है
अपना काम करने की, बिल्कुल उस शेर की तरह। हमारे पास भी खुद की स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटी है हमारी सिचुएशन को बदलने की, लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, एक्टिव बनना पड़ेगा, तभी आप उस शेर की तरह बन पाएंगे। तो दोस्तों चलिए अब हमारे आठवीं कहानी की शुरुआत करते हैं। आठवीं कहानी, एक जाल। दोस्तों बचपन से लेकर अभी तक हमें कुछ ऐसी बातें सिखा दी गई हैं, बल्कि हमारे दिमाग में बिठा दी गई है, फिट कर दी गई है, जिसका कि कोई मतलब ही नहीं है। और यह बातें हमें हमारी स्कूल में, हमारे घर पर, बल्कि हर जगह सुनाई देती है। वह कौन सी बातें हैं, कौन सी ऐसी बात की मैं बात कर रहा हूँ, वह आपको इस कहानी में सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक बार एक पिंजरे में कुछ बंदरों को डाल दिया जाता है और उस पिंजरे में एक सीढ़ी लगा दी जाती है, उसके ऊपर कुछ केले लटका दिए गए। जैसे ही उस पिंजरे में कुछ बंदरों को डालते हैं, उनमें से एक बंदर सीढ़ी चढ़ के केले खाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह सीढ़ी पर कदम रखता है तो उन सब बंदरों के आंख में ठंडा पानी डाल दिया जाता है, इसकी वजह से हो फिर नीचे उतर आता है। फिर उसके बाद एक दूसरा बंदर कोशिश करता है, वह जैसे ही सीढ़ी पर कदम रखता है तो उन तमाम बंदरों पर ठंडा पानी डाल दिया जाता है, अब वह बंदर भी नीचे आ जाता है। सारे बंदरों को अब यह बात समझ में आ जाती है कि सीढ़ी पर चढ़ते ही हमारे ऊपर ठंडा पानी डाला जाता है। फिर कुछ समय बाद उस पिंजरे में से एक पुराने वाले बंदर को निकालकर और एक नए वाले बंदर को डाल दिया जाता है। नया वाला बंदर जैसे ही पिंजरे में जाता है तो उस केले देखता है, और वह बंदर केले खाने के लिए सीढ़ी पर जैसे ही कदम रखता है कि सारे बंदर मिलकर उसकी पिटाई कर देते हैं। बंदर को यह बात समझ में नहीं आती है कि मेरी पिटाई क्यों हुई, इसके पीछे क्या वजह है। बंदर को कुछ समझ में नहीं आता है। फिर थोड़ी देर के बाद उस पिंजरे में से एक पुराने वाले बंदर को निकाल दिया जाता है और फिर एक नए वाले बंदर को डाल दिया जाता है, और उस बंदर को भी जैसे ही पिंजरे में डालते ही उसे केले दिखते हैं, और वो जैसे ही उसको खाने के लिए सीढ़ी में चढ़ने की कोशिश करता है तो सारे बंदर मिलकर उसकी धुलाई कर देते हैं। और धुलाई करने वाले बंदरों में से वह बंदर भी शामिल होता है जो पिछली बार पीटा गया था। इसको भी पता ही नहीं था कि मेरी पिटाई क्यों की गई है, और इस बार उसने भी सारे बंदरों के साथ मिलकर उस नए वाले बंदर की पिटाई कर दी। तो फिर धीरे धीरे करके उस पिंजरे में से सारे पुराने वाले बंदरों को निकाल दिया जाता है और उसमें सारे नए बंदरों को डाल दिया जाता है। अब उस पिंजरे में सारे नए बंदर थे, और उस पिंजरे पर जो बाल्टी रखी हुई थी ठंडे पानी की, वह भी हटा दी जाती है। पर अब जब भी कोई नया बंदर को उस पिंजरे में डाल रहे थे, अब वह नया बंदर जैसे ही केले खाने के लिए सीढ़ी में अपनी पैर को रखता है, वैसे ही सारे बंदर मिलकर उसे नए बंदर की धुलाई कर देते हैं। और उस पिंजरे में किसी को पता ही नहीं था कि हम एक दूसरे को क्यों मार रहे हैं। और इसी तरह हम इंसान भी एक दूसरों के सपनों की धुलाई करते आ रहे हैं। जब भी कोई इंसान सपना देखता है कुछ बड़ा करने का, हम उसको कुछ ऐसी बातें बता देते हैं जिसकी वजह से वह डिमोटिवेट हो जाता है, और हमें भी यह पता नहीं होता है कि हम उसकी सपनों की धुलाई क्यों कर रही है, और हम उसको ऐसी बातें क्यों बता रहे हैं। क्योंकि हम लोगों ने अपने बाप दादा से यही सब कुछ सुना है ना, इसीलिए हम उसके साथ भी ऐसी ही बातें कर रहे हैं। और सबसे बड़ा डायलॉग जो होता है कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा, आज तक किसी को भी नहीं मिला। तू चाहे कुछ भी कर, कितने भी बड़े सपने देख, अच्छे अच्छे को हमने फेल होते हुए देखा है, कुछ इस तरह के डायलॉग हम बोलते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो ठंडा पानी की बाल्टी जो पिंजरे के ऊपर रखी गई थी, वह अब हटा दी गई है। पहले का टाइम बहुत अलग था और अभी का टाइम बहुत अलग है। और अगर कोई इंसान बिजनेस का सपना देखा है, कोई आइडिया आता है, अगर वो उस बिजनेस का लोगों को बताता है तो लोग उसे कौन सा डायलॉग मारते हैं कि अभी धंधे पानी नहीं है, अभी के टाइम में काम धंधा नहीं है, तो कुछ भी कर तेरा बिजनेस ठप हो जाएगा। कुछ इस तरह की बातें हम सामने वाले बंदे से करते हैं, लेकिन जिसमें हिम्मत होती है ना, वह सारे बंदरों से निपट कर उस सीढ़ियों के ऊपर चढ़कर आखिरकार वो केले खा ही लेता है। और इसी तरह जितने भी है डिस्ट्रक्शन है ना, और लोगों की बातें हैं, जो लोग आपसे इस तरह की बातें करते हैं, उन सबको साइड में करो यार, और अपने काम पर फोकस करो और अपने सपनों की सीढ़ी पर चढ़ते रहो। एक दिन आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। पहले का टाइम गया, पहले के टाइम को भूल जाओ, अभी अब के टाइम में जियो यार। ये मत सोचना कि ये दुनिया क्या कहेगी, अगर कर गए तो ये दुनिया तुम्हें देखेगी। तो दोस्तों चलिए अब हमारे नौवीं कहानी की शुरुआत करते हैं। नौवीं कहानी, जिंदगी बदलने वाली कहानी। ये कहानी एक आदमी की जो कि दिन रात मेहनत करता था अपने परिवार वालों को पालने के लिए, अपने परिवार वालों का पेट भरने के लिए, जो कि हर आदमी करता है। लेकिन इसका जो बेटा था वह बिल्कुल ही आलसी और कामचोर था,
वह सारा दिन सिर्फ मौज मस्ती करता रहता था और अपने आप की कमाई को खर्च करता रहता था, तो इस बात को लेकर वह आदमी बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा था। लेकिन जब उसे लगने लगा कि अब पानी सर को ऊपर से जाने लगा है, तब उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि अब तुम्हें काम करना पड़ेगा, तुम कुछ भी करो, लेकिन शाम तक अगर पैसे कमा के नहीं लाए तो तुम्हें घर में आने नहीं दिया जाएगा। अब लड़का तो था ही आलसी, वो अपनी माँ के पास गया और सारी बातें बताने लगा, तो उसके माँ ने अपने पास से उसको कुछ पैसा दे दिया और कहने लगी, तुम अपने पापा को शाम में ये कहना कि ये मेरी मेहनत की कमाई है। शाम को जब वह आदमी घर आया तो उसके बेटे ने उसके पास से सारे पैसे उसको दे दिए। वह आदमी को सब कुछ पता था, तो उसने अपने बेटे से क्या कहा, उसने ये कहा कि तुम इस पेज को कुएं में फेंक के आ जाओ। उसके बेटे ने एक भी सवाल नहीं पूछा और सीधा जाकर उसे पैसे को कुएं में फेंक कर आ गया। अगले दिन उसे आदमी ने अपनी बीवी को उसके मन के घर भेज दिया और अपने बेटे से कहने लगा कि मेरे बेटे तुझे आज और पैसे कम कर लेकर आने हैं। अब लड़का सीधा अपने बहन के पास गया और अपनी बहन को सारी बातें बताने लगा, तो उसके बहन ने भी उसके हाथ में कुछ पैसे रखे और उसे कहने लगी कि शाम को जब पापा घर आएंगे तो ये पैसे उन्हें दे देना और कहना ये मेरी मेहनत की कमाई है। शाम को जब आदमी घर आया, उसके बेटे ने फिर से अपने पास से जितने पैसे थे अपने आप को दे दिया। उस आदमी ने फिर से वही बात कही कि इस पेज को जाकर कुएं में फेंक कर आओ, और इस बार भी उसके बेटे ने एक भी सवाल नहीं किया और सीधा जाकर कुएं में उन पैसों को फेंक कर आ गया। अगले दिन उसे आदमी ने अपनी बेटी को भी अपने रिश्तेदारों के यहाँ भेज दिया और फिर से अपने बेटे से कहने लगा कि बेटा तुम्हें आज और पैसे कमा के लाने हैं। अब उसे लड़के के पास कोई भी रास्ता नहीं था, अब उसे लड़के को कोई भी पैसा देने वाला नहीं था, तो वह लड़का मरता क्या ना करता, रात को तो घर जाना ही है, इसलिए वह सारा दिन काम ढूंढने लगा। बड़ी देर के बाद उसे एक जगह काम मिल गया, एक ट्रक से भारी सामान उठाकर उस भारी सामान को दुकान में रखने का काम। सारा दिन बहुत मेहनत के बाद उसे अपनी मेहनत की कमाई मिली, वह बहुत खुश हो गया और खुशी खुशी अपने घर गया। लेकिन फिर से उस आदमी ने अपने बेटे से कहा कि पैसों को कुएं में फेंक दें। उसका बेटा गुस्सा हो गया और कहने लगा कि पापा ये मेरे पूरे दिन के मेहनत की कमाई है, मैं इसे कैसे कुएं में फेंक दूं। वह आदमी मुस्कुराकर कहने लगा कि मैं तुम्हारी एक दिन की कमाई को मैं कुएं में देने की बात कही और तुम गुस्सा हो गए, तो सोचो जब तुम मेरी मेहनत की कमाई को गवाते थे तो मुझे कैसा लगता होगा। दोस्तों, बाप से अच्छी कोई दौलत नहीं है पूरी इस दुनिया में। उस इंसान ने आपके सपने को पूरा करने के लिए अपने सपने को खत्म कर दिया। जब भी जिंदगी में फिजूल खर्च करोगे तो उसे इंसान के बारे में जरूर सोचना, क्योंकि वह इन पैसों के लिए दिन रात मेहनत करता है सिर्फ आपके सपने पूरे करने के लिए, और बाप के कमाने या ना कमाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाप का होना ही आपके लिए सबसे बड़ी ताकत होती है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि जिंदगी में कोई ऐसा काम ना करना कि उनका सर आपकी वजह से शर्म से झुक जाए। ऐसा काम करो उन्हें आप पर गर्व हो कि आप उनकी औलाद हो। एक छोटा सा शेर कहके इस कहानी को खत्म करता हूं। एक रोज तुम्हें एहसास जरूर होगा कि मसरूफ तुम थे और उम्र दराज वो होगा। एक रोज तुम्हें एहसास जरूर होगा कि मसरूफ तुम थे और उम्र दराज वह होगा जिसकी उंगली का सहारा पकड़कर चला करते थे। आज वही छड़ी का तलबगार होगा और जिसके सदके में जी रहे हो आज, वह ना रहा तो क्या होगा। पर अभी भी वक्त बचा है कुछ खास तुम्हारे पास। कब तक? जब अब तक के बाप का साया तुम्हारे साथ होगा। और जन्नत के तलबगार हो तो सीने से लगा लेना, क्योंकि वही कल जन्नत का दरवाजा होगा। तो दोस्तों, चलिए अब हमारे 10वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 10वीं कहानी, दोस्तों, बात बहुत समय पहले की है। विशाल नगर राज्य में एक राजा राज करता था। उसकी केवल एक आंख और एक पैर था। इन कमजोरियों की बात भी वह एक कुशल, दयालु और बुद्धिमान शासक था। उसके शासन में प्रजा बहुत खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन की बात है, राजा अपने महल के गलियारे से टहल रहा था। सहसा उसकी दृष्टि गलियारे की दीवार पर लगे चित्रों पर पड़ी। वे चित्र उसके पूर्वज के थे। उन चित्रों को देख राजा के मन में विचार आया कि भविष्य में जब उसके उत्तराधिकारी महल के उस गलियारे से टहलेंगे तो उन चित्रों को देख अपने पूर्वजों का स्मरण करेंगे। राजा का चित्र अब तक उस दीवार पर नहीं लगा था। अपनी शारीरिक अक्षमताओं के कारण वह नहीं जानता था कि उसका चित्र कैसा दिखेगा, लेकिन उस दिन उसने सोचा कि उसे भी अपना चित्र उस दीवार पर लगवाना चाहिए। अगले दिन उसने अपने राज्य के श्रेष्ठ चित्रकारों को दरबार में आमंत्रित किया। दरबार में उसने घोषणा की कि वह महल में लगवाने के लिए अपना सुंदर चित्र बनवाना चाहता है,
जो उसका सुंदर चित्र बना सकता है, वह चित्रकार आगे आए। चित्र जैसा बनेगा वैसा ही उस चित्रकार को इनाम दिया जाएगा। दरबार में उपस्थित चित्रकार अपनी कला में निपुण थे, लेकिन राजा की घोषणा सुनने के बाद वे सोचने लगे कि राजा तो काना और लंगड़ा है, ऐसे में उसका सुंदर चित्र कैसे बन पाएगा। चित्र सुंदर नहीं दिखा तो हो सकता है राजा क्रोधित होकर उन्हें सजा दे दे। यह विचार किसी को आगे आने का साहस न दे सका। सब कोई ना कोई बहाना बनाकर वहां से चले गए। वहां मात्र एक युवा चित्रकार खड़ा रहा। राजा ने उससे पूछा, क्या तुम मेरा चित्र बनाने को तैयार हो? युवा चित्रकार ने हामी भर दी। राजा ने उसे अपना चित्र बनाने की आज्ञा दे दी। अगले ही दिन से वह चित्रकार राजा का चित्र बनाने में जुट गया। कुछ दिनों बाद चित्र बनकर तैयार था। जब चित्र के अनावरण का दिन आया तो दरबार में दरबारी सहित वे सभी चित्रकार भी उपस्थित हुए, जिन्होंने राजा का चित्र बनाने से इनकार कर दिया था। सभी उत्सुकता से चित्र के अनावरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब चित्र का अनावरण हुआ तो राजा सहित सबके मुंह खुले के खुले रह गए। चित्र बहुत ही सुंदर बना था। उस चित्र में राजा दोनों तरफ पैर कर घोड़े पर बैठा हुआ था, जिसे एक ओर से चित्रित किया था, और उसमें राजा का एक ही पैर नजर आ रहा था। साथ ही राजा धनुष चढ़ाकर एक आंख बंद कर निशाना साध रहा था, जिससे उसके काने होने की कमजोरी छुप गई थी। यह चित्र देख राजा बहुत प्रसन्न हुआ। चित्रकार ने अपनी बुद्धिमत्ता से उसकी अक्षमताओं को छुपाकर एक बहुत सुंदर चित्र बनाया था। राजा ने उसे पुरस्कृत करने के साथ उसे अपने दरबार का मुख्य चित्रकार बना दिया। दोस्तों, ये कहानी हमें ये शिक्षा प्रदान करती है कि जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें सदा सकारात्मक सोच रखना चाहिए। विषम परिस्थितियों में भी सकारात्मक दिशा में सोचने से किसी भी समस्या का समाधान आसानी से हो जाता है। तो दोस्तों, चलिए अब हमारे 11वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 11वीं कहानी वही अब एक और कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है। प्राचीन समय की बात है, रमण नगर राज्य में एक राजा राज करता था। उसका राज्य खुशहाल था, धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। राजा और प्रजा खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक वर्ष उस राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। पानी की कमी से फसलें सूख गईं। ऐसी स्थिति में किसान राजा को लगान नहीं दे पाए। लगान प्राप्त न होने के कारण राजस्व में कमी आ गई और राजकोष खाली होने लगा। ये देख राजा चिंता में पड़ गया। हर समय वह सोचता रहता कि राज्य का खर्च कैसे चलेगा। अकाल का समय निकल गया, स्थिति सामान्य हो गई, किंतु राजा के मन में चिंता घर कर गई। हर समय उसके दिमाग में यही रहता कि राज्य में पुनः अकाल पड़ गया तो क्या होगा। इसके अतिरिक्त भी अन्य चिंताएं उसे घेरने लगी। पड़ोसी राज्य का भय, मंत्रियों का षड्यंत्र जैसी कई चिंताओं ने उसकी भूख प्यास और रातों की नींद छीन ली। वह अपनी इस हालत से परेशान था, किंतु जब भी वह राजमहल के माली को देखता तो आश्चर्य में पड़ जाता। दिन भर मेहनत करने के बाद वह रूखी सूखी रोटी भी छक्कर खाता और पेड़ के नीचे मजे से सोता। कई बार राजा को उससे जलन होने लगती। एक दिन उसके राज दरबार में एक सिद्ध साधु पधारे। राजा ने अपनी समस्या साधु को बताई और उसे दूर करने सुझाव मांगा। साधु राजा की समस्या अच्छी तरह समझ गए थे। वे बोले, राजन, तुम्हारी चिंता की जड़ राजपाट है। अपना राजपाट पुत्र को देकर चिंता मुक्त हो जाओ। इस पर राजा बोला, गुरुवर, मेरा पुत्र मात्र 5 वर्ष का है, वह अबोध बालक राजपाट कैसे संभालेगा? तो फिर ऐसा करो कि अपनी चिंता का भार तुम मुझे सौंप दो। साधु बोले। राजा तैयार हो गया और उसने अपना राजपाट साधु को सौंप दिया। इसके बाद साधु ने पूछा, अब तुम क्या करोगे? राजा बोला, सोचता हूं कि अब कोई व्यवसाय कर लूं, लेकिन उसके लिए धन की व्यवस्था कैसे करोगे? अब तो राजपाट मेरा है, राजकोष के धन पर भी मेरा अधिकार है, तो मैं कोई नौकरी कर लूंगा। राजा ने उत्तर दिया, ये ठीक है, लेकिन यदि तुम्हें नौकरी ही करनी है तो कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं, यही नौकरी कर लो। मैं तो साधु हूं, मैं अपनी कुटिया में ही रहूंगा, राजमहल में ही रहकर। मेरी ओर से तुम ये राजपाट संभालना। राजा ने साधु की बात मान ली और साधु की नौकरी करते हुए राजपाट संभालने लगा। साधु अपनी कुटिया में चले गए। कुछ दिन बाद साधु पुनः राजमहल आए और राजा से भेंट कर पूछा, कहो राजन, अब तुम्हें भूख लगती है या नहीं और तुम्हारी नींद का क्या हाल है? गुरुवर, अब तो मैं खूब खाता हूं और गहरी नींद सोता हूं। पहले भी मैं राजपाट का कार्य करता था, अब भी करता हूं, फिर ये परिवर्तन कैसे, ये मेरी समझ के बाहर है। राजा ने अपनी स्थिति बताते हुए प्रश्न भी पूछ लिया। साधु मुस्कुराते हुए बोले,
राजन, पहले तुमने काम को बोझ बना लिया था और उस बोझ को हर समय अपने मांस पटल पर ढोया करते थे, किंतु राजपाट मुझे सौंपने के उपरांत तुम समस्त कार्य अपना कर्तव्य समझकर करते हो, इसलिए चिंता मुक्त हो। दोस्तों, ये कहानी हमें ये शिक्षा प्रदान करती है कि जीवन में जो भी कार्य करें अपना कर्तव्य समझकर करें, न कि बोझ समझकर। यही चिंता से दूर रहने का एकमात्र आसान तरीका है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताइए और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाए। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। मन लगाने मैं चलूं, ध्यान लगे ना मेरा, हे बुद्ध आप ही कर दो पार मेरा ये बेड़ा। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं तो हमारा ध्यान लग ही नहीं पाता है, या फिर हमारे मन में ये शंका रहती है कि हमें पता ही नहीं होता कि ध्यान क्या होता है और कैसे लगाया जाता है। इसी दुविधा का हल भगवान बुद्ध ने बड़े ही सरल शब्दों में किया हुआ है। भगवान बुद्ध ध्यान की प्रतिमा माने जाते हैं और उन्होंने जितने सरल तरीके से ध्यान की विधियाँ बताई हैं और किसी ने नहीं बताई। ये कहानी पूरी सुनने के बाद आपको ध्यान के बारे में कोई भी शंका नहीं रहेगी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार बुद्ध के पास उनका एक शिष्य आया और उनसे बोला, बुद्ध मुझे आपके सानिध्य में 3 साल हो गए हैं, मैं रोज़ आपके बताए अनुसार ध्यान लगाता हूँ, फिर भी मुझे 3 साल में ध्यान से कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। वहीं मेरे मित्र कहते हैं कि उन्हें कुछ ना कुछ ध्यान करके प्राप्त हुआ है, पर फिर मुझे क्यों नहीं हुआ। मुझे माफ़ करें बुद्ध, पर अब मेरे मन में ये विचार आने लगे हैं कि ध्यान से कुछ मिलता भी है या फिर ये मिथ्या है, क्योंकि मुझे तो आज तक कुछ भी नहीं मिला। और जो लोग कहते हैं कि मुझे ध्यान करने से ये प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ, मुझे लगता है कि वे सब झूठ बोलते हैं। आपने ही कहा था कि अपनी बुद्धि से खोजो, और अब इतने वर्षों तक ध्यान करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ध्यान से कुछ नहीं मिलता, आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इसका जवाब मैं कल सुबह ध्यान सभा में दूंगा, तुम वहाँ आना। अगले दिन बुद्ध सभी को इकट्ठा करके उपदेश देने लगे। उन्होंने कहा, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा, उसे तुम बस एक कहानी की तरह सुनना और समझना, ये पूरी तरह से एक काल्पनिक कहानी है। एक गुरु ज्ञान के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। कहा जाता है उन्होंने एक सोने का पहाड़ जिसका शीश हीरे का बना हुआ था उसे खोज लिया था, जिससे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वो पहाड़ पर अकेले रहते थे, उन्होंने किसी को भी अपना शिष्य नहीं बनाया। काफ़ी समय बाद 3 भाई उनके शिष्य बनने के लिए उनके पास गए और उनसे ज्ञान ग्रहण करने को कहा। गुरु मान गए और उन्हें अपने साथ में ही रख लिया। फिर तीनों ने उन पहाड़ के बारे में पूछा। गुरु ने कहा, मैं तुम तीनों को इसका जवाब बारी बारी से दूंगा और इसका रास्ता भी बताऊंगा ताकि तुम उस पर चढ़ सको। फिर गुरु ने पहले शिष्य को बुलाया और एक रास्ते की तरफ इशारा किया और कहा कि यहाँ से तुम सीधे चले जाना और कहीं मत मुड़ना, ये रास्ता तुम्हें सीधे उस पहाड़ तक ले जाएगा और कहीं भी अपनी यात्रा मत रोकना। वो शिष्य अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर यात्रा के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसे काफ़ी कठिनाई हुई, उसके पाँव में कांटे चुभे, कुछ कीड़े मकोड़ों ने भी उसे काटा, कुछ जंगली जानवरों से भी उसका सामना हुआ, पर वो जैसे तैसे जंगल पार कर रहा था। तभी रास्ते में उसे भूख लगी, उसने जंगल में कुछ खाने का इंतज़ाम किया, खाना खाकर फिर से वो आगे बढ़ गया। उसके बाद वो एक मरुस्थल, वो काफ़ी बड़ा था, उसके पास खाने के लिए थोड़ा सा खाना बचा हुआ था,
लेकिन उसके पास पानी नहीं था और वो प्यास से बहुत व्याकुल हो रहा था। फिर भी वो चलता रहा। चलते चलते अंत में वो बेहद थक गया। अब उसके लिए प्यास सहना नामुमकिन हो गया था। उसके मन में अब ये सवाल आने लगे कि कहीं गुरु ने उसे कोई गलत मार्ग तो नहीं बता दिया। अब धीरे धीरे उसका चेहरा मुरझाने लगा और गला सूखने के कारण वो वहीं मरुस्थल में गिर गया। तभी अचानक से वहाँ बारिश की बूंदें गिरने लगी। वो अपना बर्तन भरने लगा और अपनी प्यास बुझाई और फिर से आगे बढ़ गया। अब वो एक नदी के किनारे पहुँच गया था। नदी पार करने के लिए उसने एक नौका बनाई और उसे पार करने लगा। तभी वहाँ एक बवंडर आ गया और उसकी नाव उसमें डूबती चली गई। वो आदमी भी पानी में डूबने लगा और डूबते हुए सोचने लगा कि गुरुजी ने ये कैसा मार्ग बताया है। यहाँ तो बार बार मैं मौत के करीब जा रहा हूँ। अब तो पक्का ही मैं नहीं बचूँगा। तभी वहाँ पर कुछ लोग पहुँच गए और उस शिष्य को बचा लिया। वो पास के गांव के मछुआरे थे, इसलिए उन्होंने उस शिष्य को अपने घर ले जाकर खाना खिलाया और कुछ खाना खाने के बाद उसे आगे के रास्ते के लिए थोड़ा सा खाना दे दिया। वो शिष्य फिर से आगे बढ़ गया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा तो आखिर में उसने देखा कि आगे एक बहुत बड़ी खाई थी। उसे देखकर वो ज़ोर से चिल्लाकर बोला, गुरु ने मुझे गलत रास्ता दिखाया है। हीरे के शीश वाला सोने का पहाड़ तो छोड़ो, यहाँ तो कोई रास्ता तक नहीं है। मेरी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई। और वो वापस यात्रा कर गुरु के पास पहुँच गया और कहा, आपने मुझे गलत मार्ग क्यों बताया? वहाँ तो कोई पहाड़ ही नहीं था, बस एक जंगल, मरुस्थल, नदियाँ और खाई के अलावा कुछ नहीं था वहाँ पर। गुरु ने कहा, तो तुमने इन सब से क्या सीखा? शिष्य ने कहा, मैं कुछ सीखने थोड़ी गया था। मैं तो उस सोने के पहाड़ को खोजने गया था जो मुझे मिला ही नहीं। उस रास्ते से मैं क्या सीखता? रास्ता लंबा था, बेहद कठिन था। उसे पाने की चाह में मैंने सब पार कर लिया, लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला। तब गुरु ने कहा, तुम रुको, मैं तुम्हारे दूसरे भाइयों को भेजता हूँ। शिष्य ने कहा, उन्हें भी वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। अरे वहाँ पर कुछ है ही नहीं, उन्हें क्या मिलेगा वहाँ? तब गुरु ने अपने दूसरे शिष्य को आशीर्वाद दिया और वो भी उस मार्ग पर निकल गया। कुछ दिन के बाद वो भी वापस आ गया। तब गुरु ने पूछा, तुम्हें वो पहाड़ दिखा? शिष्य ने कहा, नहीं, मुझे कोई पहाड़ नहीं दिखा, वहाँ तो बस एक खाई थी। मुझे लगा शायद मैं आपके बताए रास्ते से भटक गया हूँ, इसीलिए मैं आपसे रास्ता पूछने आ गया। तब गुरु ने पूछा, तुमने इन सब से क्या सीखा? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैंने अपनी पूरी यात्रा एक जंगल से शुरू की और उसे पार करते हुए आगे निकल गया। मैंने यही देखा कि कैसे सारे जीव एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और एक दूसरे का खाना भी बनते हैं। उसके बाद मैं एक मरुस्थल में पहुंच गया। वहां पूरे रास्ते में मैं पानी के लिए व्याकुल रहा। एक समय के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मैं मृत्यु के करीब आ गया हूँ। तब मैंने समझा कि जीवन का मोल क्या होता है, एक एक सांस की कीमत क्या होती है। तब मैंने आकाश से अमृत को बरसते देखा। तब उस पानी को पीकर मुझे वापस जीवन मिला। वो पानी बेहद मीठा था। तब मुझे एहसास हुआ कि पानी ही असली अमृत होता है। उसके बाद मैं एक नदी के पास पहुँचा। वो बेहद सुंदर थी। उसका पानी बहुत बहुत साफ था। वहाँ पर बने बांस के पेड़ों को काटकर मैंने एक नौका बनाई जिसके द्वारा मैं उस नदी को पार कर रहा था। तभी वहाँ पर एक बवंडर आ गया। मैं डूबने लगा। तब मुझे कुछ मछुआरों ने वहाँ पर बचा लिया। तब मुझे एहसास हुआ कि मुसीबत के सामने हम हमेशा चाहते हैं कि कोई हमारी मदद करे, लेकिन हम कभी किसी की मदद नहीं करते। उसके बाद उन मछुआरों ने मुझे अपने घर ले जाकर भोजन कराया। वहाँ मैंने देखा कि कैसे लोग भूख के मारे तड़प रहे हैं, एक बेहतर जीवन के लिए तरस रहे हैं। कोई बीमार है तो किसी का इलाज चल रहा है। कोई पत्नी अपने पति के वियोग में रो रही है। मुझे जड़ी बूटियों का थोड़ा ज्ञान था जिसके कारण
मैंने वहाँ एक बीमार बच्चे का इलाज किया और उसे ठीक कर दिया। तब मुझे महसूस हुआ कि दूसरों की मदद करने पर कितना सुकून मिलता है। उन मछुआरों के पास खुद के लिए खाना नहीं था, फिर भी उन्होंने मुझे भोजन कराया और रास्ते के लिए भोजन भी दिया, जिसे लेकर मैं आगे की यात्रा पर निकल गया। उसके बाद आगे मैं एक खाई के पास पहुंच गया। वो मुझे एकदम शांत लगी। वहाँ किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, बस मैं अपनी सांसों को सुन रहा था। उस समय मुझे लगा कि मैं आपके बताए रास्ते से भटक गया हूँ, क्योंकि वहाँ कोई भी सोने की चट्टान नहीं थी। तब मैं वापस आपके पास आया दोबारा से सही मार्ग पूछने के लिए। शिष्य ने कहा, हे गुरुदेव, क्या मैं गलत मार्ग पर चला गया था? गुरु ने कहा, नहीं, तुम बिल्कुल सही मार्ग पर गए थे और जल्द ही तुम्हें वो पहाड़ भी मिल जाएगा। तब गुरु ने अपने तीसरे शिष्य से पूछा, क्या तुम भी पहाड़ खोजना चाहते हो? तब शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मुझे उस रास्ते पर पहाड़ मिलेगा या नहीं, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे शिष्य भाइयों ने जो वहाँ के बारे में बताया है मैं उसे जानना चाहता हूँ। तब तीसरा शिष्य गुरु का आशीर्वाद लेकर यात्रा पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वो शिष्य वापस आया। गुरु उसे देखकर समझ गए थे कि उसे वो पहाड़ मिल गया है। उसके चेहरे पर अलग ही चमक थी, वो काफ़ी शांत था। शिष्य ने गुरु को प्रणाम करते हुए कहा, हे गुरुदेव, आपने जो मार्ग दिखाया उसका मैं बहुत आभारी हूँ। मुझे वो सोने का पहाड़ मिल गया है जिसका शीश हीरे का बना हुआ है। ये सुनकर बाकी दोनों शिष्य बोले, क्या तुम्हें वो खाई मिली? तीसरे शिष्य ने कहा, हाँ, मुझे मिली थी। मैंने भी वो सब अनुभव किया जो तुमने किया था। आखिर में मुझे वो खाई मिली जहाँ अपार शांति थी। इतनी शांति मुझे कहीं नहीं मिली। मुझे पता था मैं सही मार्ग पर हूँ, पहाड़ यही है। उसे ढूंढने के लिए मैंने खाई में कदम बढ़ा दिया। उस समय मेरे मन में भी बहुत सी आशंकाएं थीं, लेकिन मैंने दो बार मृत्यु को करीब से देख लिया था, इसलिए मुझे उसका भय नहीं था। अब मुझे बस वो पहाड़ ढूंढना था और मैंने अपना कदम उस तरफ बढ़ा दिया। जब मैं आगे बढ़ा तब मैंने देखा कि मैं खाई में गिरने की जगह हवा में उड़ रहा हूँ, और इसी तरह मैं उस खाई पर आगे बढ़ता चला गया और मैंने वो खाई पार कर ली। जब मैं आगे पहुंचा तो वहाँ काफ़ी अंधेरा था, बिल्कुल भी रोशनी नहीं थी। उसके बाद जब मैं और आगे बढ़ा तब देखा कि आगे अथाह रोशनी है। वो रोशनी इतनी थी कि मुझे उसमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तब भी मैं आगे सीधा बढ़ता गया। उस समय भी मैं बेहद डर रहा था, कांप रहा था, लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ता रहा और अंत में मुझे वो सोने का पहाड़ मिल गया जिसका शीश हीरे का था। उसके ऊपर जाने के बाद मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया। बेहद खुशी हुई और मन आनंदित हो उठा। कहानी पूरी होने के बाद बुद्ध ने सबसे पूछा कि तुमने इससे क्या सीखा? तब बुद्ध के शिष्य उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहा कि हे बुद्ध, उन तीनों शिष्यों के गुरु ने जो रास्ता उन्हें दिखाया था वो रास्ता उनके अंतर्मन का था। पहले शिष्य की लगन और निष्ठा सही थी, लेकिन वो महत्वाकांक्षी था। उसने मार्ग में आई किसी भी चीज़ से कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया। वो पूर्ण रूप से महत्वाकांक्षी हो गया। उसके मन में बस वो पहाड़ चल रहा था, जिसकी वजह से वो आसपास की चीज़ों से कोई भी सीख नहीं ले सका, जबकि उसके आसपास ज्ञान ही ज्ञान था। दूसरे शिष्य ने सब देखा और समझा कि प्रकृति कैसे काम करती है, जीवन कैसे जिया जाता है, मौत के समय कैसा लगता है। उसने मौत और सांसों के मूल्य को समझा
उसने अमृत को पहचाना कि पानी ही अमृत है। वो आखिर तक गया और उस छोर से वापस आ गया जहां उसे मंजिल मिलनी थी। वो उस खाई को देखकर घबरा गया जिसकी अथाह शांति उसको पसंद आई थी, लेकिन वो ये नहीं समझ पाया कि वही उसका रास्ता है और वो उसे गलत मार्ग समझकर गुरु के पास वापस लौट आया। लेकिन इस यात्रा से उसने कुछ पाया। तीसरे शिष्य के मन में उस पहाड़ को पाने की कोई जिज्ञासा नहीं थी, वो तो बस उस मार्ग को जानना चाहता था, उसे देखना चाहता था जो उसके साथियों ने देखा था। आखिर में वही हुआ, उसने हर चीज़ अनुभव की। फर्क बस इतना था कि वो उस खाई की गहराइयों में चला गया जहाँ एकदम अनंत शांति थी। वो इस सब को महसूस करते हुए अंधकार में आगे बढ़ता गया और एक समय के बाद उसने रोशनी ही रोशनी देखी और वो पहाड़ जिसकी उसे तलाश थी, वो पहाड़ कोई और नहीं बल्कि खुद का उसका शरीर था, जिसमें सोना उसका शरीर था जबकि हीरे का शीश उसका मस्तिष्क था, जिसमें उसे बहुत सारा ज्ञान और शांति अनुभव हो रही थी। अब जिस शिष्य ने बुद्ध से कहा था हाल में ध्यान से कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं की, वो बुद्ध से जाकर बोला कि मुझे माफ़ कर दें, पहले मैं आपका पहला शिष्य बना हुआ था, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि आपका दूसरा शिष्य बनकर दिखाऊँ। अब मेरे मन में कोई भी दुविधा या सवाल नहीं है। दोस्तों, हम सब का ध्यान मंजिल की तरफ होता है, लेकिन असली आनंद तो रास्ते का होता है, मार्ग का होता है। और जो व्यक्ति मार्ग का आनंद लेते हुए मंजिल का सफ़र तय करता है, वो मंजिल तक पहुंचते पहुंचते ही अथाह शांति को प्राप्त कर लेता है। और जो आदमी सिर्फ मंजिल पर पहुंचने की चिंता करता है, वो मार्ग का आनंद ही नहीं ले पाता। इसीलिए मंजिल से ज़्यादा मार्ग ज़रूरी हो जाता है। अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी ज्ञानवर्धक लगी तो इसे अपने सगे संबंधियों और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।